राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुछ अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बता दें कि 3 अपराधकर्मी फुलवारी शरीफ जेल से पेशी के लिए पटना सिविल कोर्ट लाए जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में लगे जाम को छुड़ाने के लिए कैदी वाहन से पुलिसकर्मी उतर गए। इसी मौके का फायदा उठाकर पहले कैदियों ने एक सिपाही की आंख में झंडू बाम लगा दिया और फिर भाग निकले। इस अफरा तफरी के दौरान एक सिपाही का धक्का मुक्की में हाथ भी टूट गया। बता दें कि 3 में से 2 कैदी आर्म्स एक्ट मामले में फुलवारी जेल में बंद थे और तीसरा कैदी कोर्ट से फरार मामले में जेल में बंद था। वही टाउन DSP अशोक कुमार ने पुलिस की टीम की लापरवाही मानते हुए बताया कि फुलवारी जेल से 43 कैदियों को लेकर 5 पुलिसकर्मी माननीय व्यवहार में पेशी कराने के लिए चले थे, इसी दौरान ये घटना हुई। आगे टाउन DSP ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फुलवारी जेल से माननीय व्यवहार न्यायालय के लिए कैदी वाहन बस चली थी, जिसमें 43 कैदी थे, 5 पुलिसकर्मी थे, 3 सशस्त्र थे, 2 के साथ अधिकारी थे। जैसे ही कैदी वाहन बीएड कॉलेज के समीप पहुंचा, तो बस के सामने में अशोक राजपथ पर एक ई रिक्शा और मोटरसाइकिल वाले में मारपीट जैसा स्थिति था, लगता है टक्कर को लेकर के। तो उस मारपीट को छुड़ाने के लिए बस के कर्मी 2 कर्मी उतर गए नीचे, जो कि उनकी लापरवाही मानी जाएगी, उनको नहीं उतरना चाहिए था। और उनके उतरने का फ़ायदा उठा करके 3 कैदी जो बस में बैठे हुए थे, ये तीनों भाग के पुलिसकर्मियों की लापरवाही का फ़ायदा उठा कर, और इसके बाद तुरंत ये लोग ये पुलिसकर्मी अलर्ट हुए। हालांकि उसमें पुलिसकर्मी ने इतना जरूर किया है कि जो कैदी भाग रहे थे उनके साथ उन्होंने उसको रोकने का भरसक प्रयत्न किया है, जिसमें कि एक सिपाही का देख रहे हैं उसका हाथ में भी संभवतः फ्रैक्चर जैसा लग रहा है। तो कोशिश तो किया है, लेकिन उसको बस से उतरना नहीं चाहिए था, ये उसकी गलती। सर, 3 कैदी थे, किस मामले में जेल में बंद थे और कब से जेल में बंद थे? हाँ, ये 3 कैदी आर्म्स एक्ट के केस में बंद थे, जिसमें कि 2 NDBS एक्ट भी उन 2 केसेस में लगा हुआ था। एक नीरज चौधरी है, एक सोनू शर्मा है, वो NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट में बंद था। और एक सोनू कुमार है, तो सोनू कुमार भी आर्म्स एक्ट में बंद था। और ये इस पर हाजत से पहले भी सोनू कुमार पर भागने का आरोप है। सर, जो जानकारियाँ मिली है कि जब बस से उतर लगा दिया गया, हाँ, इसमें ये हुआ है कि ऐसे पुलिसकर्मी रोड पर हो रहे मारपीट घटना को छुड़ाने के लिए उतर रहे थे, तो ये कैदियों के पास कहीं से झंडू बाम था, उनके पास रखा हुआ था झंडू बाम, तो उन्होंने सिपाही के आंख में लगा दिया। और झंडू बाम लगा करके फिर सिपाही का जो आंख है वह उसमें ये दर्द होने लगा, और उसका फ़ायदा उठा करके वे 3 कैदी भाग गए, शरीर से भाग गए। सर, ये बड़ा सवाल नहीं है कि कैदी के पास झंडू बम कहाँ से आया? हाँ, ये सवाल तो जरूर है, उनके पास झंडू बम कैसे आया, ये जांच का विषय है। और ये लापरवाही है, किसी के लापरवाही से ही झंडू बम आया हो। क्या सिपाही के ऊपर भी कार्रवाई होगी सर, जो जिनके जो भाग गया है? ये हर बिंदु पर इस केस का जाँच होगा, अगर लापरवाही उनकी आती है तो उन पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक।